स्वागत है आपका करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास में मैं आपको हिस्ट्री यानी इंडियन हिस्ट्री का अरब एंड तुर्क इन्वेजन के बारे में यानी अरब और तुर्क आक्रमण का टॉपिक कराऊंगा। ये आक्रमण जो है 712 से लेकर 1206 के बीच में होते हैं, जिसमें सबसे पहला आक्रमण आता है अरब यानी अरबी लोगों ने भारत पे आक्रमण किए, उसके बाद तुर्क आए। तो ये टॉपिक मैं कराने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले आता है अरब। तो भारत में अरब आक्रमण यानी अरब इन्वेजन जो है, अरब इन्वेजन सबसे पहले शुरू होते हैं 712 एडी में और ये शुरू होते हैं सिंध यानी सिंध राज्य पर सबसे पहला अटैक हुआ था, जो अरबी अटैक था यानी अरब इन्वेडर जो आए थे वो सिंध में सबसे पहले आए थे 712 एडी में। तो क्वेश्चन आएंगे आपको कि इसकी जानकारी कहां से मिलती है, सोर्स क्या है। तो सोर्स आएगा चचनामा। चचनामा जो है सिंध, हिस्ट्री ऑफ सिंध के ऊपर लिखी गई एक बुक है जो सबसे पहले अरबी भाषा में लिखी गई, बाद में उसको ट्रांसलेशन किया गया फारसी में, पर्शियन में। तो चचनामा में पता लगता है कि सबसे पहले अरब लोग 712 एडी में सिंध राज्य में आए, उन पे आक्रमण किया। तो सिंध पे आक्रमण करने वाले सबसे पहले इन्वेडर, पहले आक्रमणकारी का नाम आता है मोहम्मद बिन कासिम। तो मोहम्मद बिन कासिम जो था वो पहला मुस्लिम आक्रमणकारी है जिसने भारत में विजय पाई और भारत में प्रवेश किया। और ये जो है अरबी था, तो ये आया था इराक से। तो सिंध के राजाओं के व्यापारिक संबंध खराब हो गए थे, कुछ जहाजों को लेकर उनका विवाद हुआ। तो इराक के राजा ने सिंध पे आक्रमण के लिए मोहम्मद बिन कासिम को कमांडर बनाया आर्मी का, और आर्मी कमांडर के रूप में इसने सिंध पर अटैक किया। तो सिंध पर अटैक करने के समय वहां का राजा था दाहिर। दाहिर राजा था वो एक ब्राह्मण वंश या ब्राह्मण वंश से संबंधित रखता था। तो दाहिर को हराने के लिए रावर का युद्ध हुआ है 712 में, और रावर के युद्ध में दाहिर पराजित हुआ और मोहम्मद बिन कासिम की जीत हुई। तो पहला राज्य, पहली एम्पायर बनी थी सिंध में, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा इसको स्थापित किया गया था, और ये अरबी राज्य था यानी अरबी लैंग्वेज बोलने वाले थे। तो बाद में यहाँ एक मिश्रित संस्कृति का जन्म हुआ जो अरबी और संस्कृत भाषाएं बोलती थी। अरब आक्रमण के बाद पहला राज्य जो बना, इसने लंबे समय काल तक मुस्लिम आक्रमणों को प्रेरित किया था और इससे एक हिंदू मुस्लिम संस्कृति के निर्माण का भी रास्ता साफ हुआ था। पहली बार अरब आक्रमणकारियों ने जो संस्कृत की पुस्तकें थी उनको ट्रांसलेट करना स्टार्ट किया। तो इससे क्या हुआ, भारतीय ज्ञान जो है विदेशों तक, अरब तक और बाद में यूरोप तक पहुंचा। तो पहला आक्रमण 712 एडी में आता है सिंध पर। इसके बाद दूसरा आक्रमण आएगा जो तुर्क आक्रमण है। तुर्क एक ट्राइबल थे, तो तुर्क लोग जो थे ये आए हैं तुर्किस्तान या तुर्की के आसपास के क्षेत्रों से। जब ये इस्लाम में कन्वर्ट हुए उसके बाद इन्होंने बड़े पैमाने पर आक्रमण शुरू किए, और इनके आक्रमण सबसे पहले अफगानिस्तान के बाद भारत में आए। तो तुर्क आक्रमण में सबसे पहले आता है सुबक्तगीन। सुबक्तगीन जो था ये 977 के आसपास राजा बना, ये तुर्क राजा था और इसने अपनी कैपिटल बनाई गजनी। तो इसको गजनवी एम्पायर या गजनी एम्पायर कह देते हैं। तो ये अफगानिस्तान में थी 977 के बीच में। इसके बाद सुबक्तगीन ने भी कुछ आक्रमण भारत पे किए। इसने हिंदू शाही वंश, जो उस समय काबुल और पश्चिम उत्तर भारत के क्षेत्रों पे राज करता था हिंदू शाही वंश, उसके राजा जयपाल पर पहले आक्रमण किए। तो जयपाल पर सुबक्तगीन ने आक्रमण किए। इसके बाद सुबक्तगीन का बेटा था महमूद गजनी, तो महमूद ऑफ गजनी कह देते हैं। उसने लगातार, इसके बाद जो गजनी आएगा उसने 999 से यानी 999 एडी से लेकर 1030 तक यानी 1030 तक लगातार 17 अटैक यानी 17 आक्रमण भारत पे किए हैं, जो तुर्क आक्रमण थे। क्वेश्चन आएगा भारत पर पहला तुर्क आक्रमण, तो गजनी को ही काउंट किया जाता है तुर्क आक्रमण में। वैसे सुबक्तगीन का भी आक्रमण था पर वो काउंट नहीं होता। तो महमूद गजनी ने आक्रमण किए तुर्क आक्रमण होने के नाते, तो इसने 17 अटैक किए। पहला इन्वेजन, फर्स्ट इन्वेजन आता है इसका हिंदू शाही वंश पर, और जयपाल राजा आता है उसको पराजित किया। उसके बाद इसने सारे भारत पर, नॉर्थ वेस्ट इंडिया पर इसने आक्रमण किए। इसका सबसे प्रसिद्ध आक्रमण आएगा 1025-26 में। ये आता है सोमनाथ टेंपल पर इसने आक्रमण किया था। तो सोमनाथ टेंपल आपको पता है गुजरात में है, भगवान शिव का ये टेंपल था। तो इस टेंपल पर आक्रमण किया गजनी ने और इसको लूटा।
तो ये आक्रमण वर्ष 1025-26 में आता है, जो गजनी का आक्रमण था। इसके बाद क्वेश्चन आएगा आपको इसका अंतिम आक्रमण। तो इसका अंतिम आक्रमण आता है, ये लुटेरी जो उस समय इसको लूट लेते थे जाटों के खिलाफ, यानी अंतिम आक्रमण इसका जाटों के खिलाफ आता है। तो इसने अंतिम रूप से 1027-28 में जाटों के खिलाफ आक्रमण किया। इसके बाद 1030 में, 1030 में गजनी की डेथ हो जाती है और इसका भारत में इंपायर स्टेब्लिश करने का सपना अधूरा रह जाता है। तो महमूद गजनी ने कोई इंपायर स्टेब्लिश नहीं की थी, इसका भारत में साम्राज्य नहीं था, फिर भी एक टेम्परेरी इंपायर जो है पंजाब में लाहौर साइड में थी, उसकी कैपिटल लाहौर में थी, पर वो एक कमजोर राज्य था। मुस्लिम राज्य जरूर था पर वो कमजोर राज्य था। इसके बाद आता है, जो इसके बाद थर्ड आक्रमण आते हैं, जो बाद में काफी महत्वपूर्ण रहते हैं, जिसको कह देते हैं हम 1175 to 1206, यानी 1175 से लेकर 1206 के बीच में। ये आते हैं गौरी के आक्रमण, यानी महमूद गौरी। तो महमूद गौरी ने भारत पर आक्रमण किए हैं। तो क्वेश्चन आएगा गौरी, यानी महमूद गौरी जो था ये अफगानिस्तान का राजा था और इसकी कैपिटल गौर थी। अफगानिस्तान में गौर जो है एक सिटी था, उसमें कैपिटल थी। इसने भारत पे आक्रमण शुरू किए 1175, यानी 1175 AD में। पहला इन्वेजन, पहला आक्रमण आता है इसका मुल्तान पर। तो पहला आक्रमण किया था इसने मुल्तान पर। इसके बाद 1178 में इसको पराजित किया था भीम सेकंड, जो गुजरात और राजस्थान का राजा था, अरावली के मैदान के पास इसने इसको डिफीट किया था। तो गौरी जो है स्टार्टिंग में पराजित हुआ। इसके बाद इसने खैबर दर्रे का दोबारा यूज किया और फिर इसने पंजाब साइड से ही आक्रमण जारी रखे। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण आते हैं 1192 में तराइन का युद्ध, जो पहला युद्ध आता है तराइन का, फर्स्ट वॉर। तराइन का पहला युद्ध जो है महमूद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में होता है। तराइन के युद्ध में, पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जो है गौरी को पराजित कर देता है। उसके बाद सेकेंड वॉर होती है, सॉरी ये 1190 बनाएगा, इसमें गलत हो गया था, ये 1192 में सेकेंड वॉर आती है। तो नेक्स्ट ईयर ही इसकी सेकेंड वॉर आएगी। 91-92 में दो वॉर होते हैं, 91 में फर्स्ट थी, 92 में सेकेंड थी। तो 92 की सेकेंड वॉर में, यानी तराइन के दूसरे युद्ध में, महमूद गौरी जो है पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर देता है। इसके कारण नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना का रास्ता साफ हो जाता है, तुर्क एम्पायर के लिए रास्ता साफ हो जाता है, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान जो है राजस्थान और दिल्ली का शासक था। पृथ्वीराज चौहान ने तोमरों को दिल्ली से हटाया था और चौहान राज्य को दिल्ली में स्थापित किया था। तो चौहानों के हारते ही तुर्क जो है दिल्ली में हावी हुए और दिल्ली में उनकी सल्तनत स्टार्ट हुई। इसके बाद आता है 1194 में, यानी 1194 में चंदावर का युद्ध। तो चंदावर के युद्ध में जयचंद को, गौरी जो है जयचंद को पराजित करता है। तो उसके बाद उत्तर भारत में कोई ऐसा राजा नहीं था जो गौरी को हरा सकता। तो इसके बाद ये तीन आक्रमण हुए। ये आक्रमण जो है गौरी के 1206 तक रहते हैं। गौरी जो है लाहौर में अपनी कैपिटल स्थापित करता है, लाहौर। तो लाहौर में वो अपने राज्य के लिए अपनी कैपिटल बनाता है और यहां पर कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना कमांडर, अपना सिपे सलार, अपना सेनापति बना के छोड़ता है। इसके अलावा बख्तियार खिलजी को कमांडर बनाने के बाद वो बिहार और बंगाल की विजय के लिए भेजता है। तो बख्तियार खिलजी का आपको याद होगा कि उसने 1196 के आसपास नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय किया था। वो कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ साथ वो गौरी का कमांडर था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर में राज्य बनाने के लिए कमांडर के रूप में कार्य शुरू किया और 1206 में गौरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक जो है भारत में सल्तनत का पहला सुल्तान, यानी फर्स्ट सुल्तान काउंट होता है हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक। और सल्तनत एज जो स्टार्ट होगी वो 1206 से स्टार्ट होगी और 1526 तक, यानी पानीपत के पहली वॉर तक सल्तनत राज्य रहता है। तो मुस्लिमों ने, मुस्लिम राज्य जो तुर्क बनते हैं वो 1206 से स्टार्ट होगा। सबसे पहले दास वंश आएगा जो कुतुबुद्दीन ऐबक स्थापित करेगा, और गौरी और इससे पहले थे महमूद गजनी और गजनी से पहले था मोहम्मद बिन कासिम। ये तीन आक्रमण रहते हैं, जो पहला अरब था, दूसरे तुर्क आक्रमण है, जिन्होंने भारत में मुस्लिम राज्य के लिए एक नींव, एक बैकग्राउंड तैयार की। और उसके बाद 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने पहला मुस्लिम राज्य स्थापित किया। तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको, या आपको नेक्स्ट क्लास में सल्तनत राज्य के बारे में पूरे तौर पे प्रॉपर डिफाइन कर दूंगा सल्तनत एज को। तो कैसा लगा लेक्चर आपको, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।